वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं बिजनेस लॉसेस एंड वास्तु दोष विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले जो वास्तु दोष बताने का, अलग अलग तरह के वास्तु दोष बताने का आपने सिलसिला शुरू किया था, पहला तो वाटर फ्लो के ऊपर आपने कहा कि लीकेज हो, वाटर फ्लो किस तरह पे है, फाउंटेन की आपने बात करी, वाटरफॉल की आपने बात करी, वो हमने समझा, खासतौर पर रिटेल और होलसेल बिजनेसेस के बारे में, और किस तरह के वास्तु दोष हैं जिनको लेकर के हमें सचेत रहना चाहिए। अभी कुछ दिनों से मैं टेक्सास अपने क्लाइंट की हेल्प कर रही हूँ उनके बिजनेस को लॉस से बचाने की। उनके पास तीन अलग अलग लोकेशन के प्रॉपर्टी है, एक कारकंजा में है, दो प्रॉपर्टी उनकी टेक्सास में है और दूसरी एक प्रॉपर्टी जो है उनकी कनेक्टिकट में है। ये सारी प्रॉपर्टी पे फिलहाल कुछ किसी भी वजह से वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ही स्लो हो गया है। हैरानी की बात यह है कि एक ही ऑनर है, एक ही पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ ही काम करते हैं। उनकी जो पहली प्रॉपर्टी पे है जहाँ पे नुकसान हुआ, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर को वहाँ पे रखा हुआ था और उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसे उठा के वो वहाँ से भाग गए और बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड इस तरह की चीज़ें बन गई जिसकी वजह से जो बाकी के पार्टनर है उनको तो बिजनेस रन करना ही है। तो अगर कोई आदमी बहुत बड़ा खर्चा एक साथ में, मतलब आपके साथ विश्वासघात करता है, धोखा करता है, तो बाकी सारे पार्टनर को कुछ थोड़ी देर तक, वो सारा एक साल तक तो सफ़र करना पड़ता है। तो ऐसी दुर्घटना बन गई। अदर तीन बिजनेस है उसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाकी के जो तीन बिजनेस है उसमें एक बिजनेस ओनर का कनेक्टिकट में, वहाँ पे धीरे 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 उनका प्रॉफिट जो है वो स्लो होता जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे सारे बिजनेस में अचानक 360 डिग्री परिवर्तन आ गया, अच्छे पैसे बना रहे थे, सब जगह पे प्रॉब्लम है, तो मैंने अपने घर के वास्तु में तो कोई ऐसे चेंजेस नहीं कर दिए जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। मैंने उनके घर का वास्तु देखा, घर के वास्तु के अंदर हमने एक चीज पाई कि घर के अंदर उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले कंस्ट्रक्शन चेंजेस किए। हाँ, आपको जो भी लोग ये वास्तु लिविंग को रेगुलर वॉच करते हैं, जो हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं, उनको पता होता है कि हर साल मैं एक बार बताती हूँ कि ये साल कौन सी दिशा अच्छी है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। तो 2022 के अनुसार उन्होंने अपने घर के बैकयार्ड में कंस्ट्रक्शनल चेंजेस किए और 2022 के वास्तु शास्त्र के अनुसार इस साल कोई भी चेंजेस, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में नहीं करने चाहिए। उन्होंने अनजाने में वेस्ट को एक्सटेंड किया और वहां पे उन्होंने बैकयार्ड में डेक बनाई। ये तो एक बात बन गई, लेकिन घर के अंदर ये सारे चेंजेस के बाद उसका नेगेटिव इफेक्ट पूरी प्रॉपर्टी पे एक साथ ऐसे शुरू हो गया कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी वेस्ट फेसिंग थी वहां पे सब जगह पे उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो एज अ कंसल्टेंट जब हम एक 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 प्रॉपर्टी को विजिट करते हैं, उससे पहले क्लाइंट ने कभी रियलाइज भी नहीं किया था कि अलग अलग लोकेशन, अलग अलग जिप कोड पे जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिली और वो प्रॉपर्टी बाय करते गए और उन्होंने उस बात का ख्याल तक नहीं किया था कि जिसने जितनी प्रॉपर्टी पे फिलहाल उनको प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉपर्टी हमें वेस्ट के लिए। तो वो इतने सरप्राइज हो गए कि मेरे पास एक दिशा की इतनी प्रॉपर्टी है और मुझे इस बात को पता भी नहीं है कि मेरे पास सारी प्रॉपर्टी वेस्ट की है। तो घर के वेस्ट के कंस्ट्रक्शन चेंजेस 2022 के वास्तु के अनुसार करने से उनकी जो चार बिजनेस प्रॉपर्टी, बात सुनने में ऐसी लगती है लेकिन समझने लायक है कि जब बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा एक्सपांड करता है, प्रॉफिट करता है, आगे बढ़ता है, सब कुछ अच्छा चलता है, तब हम कुछ नहीं सोचते हैं, और जब कहीं कहीं पर भी कोई ब्रेक लगती है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तभी भी कई बार हमें रश में पलट के देखने को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन एक कोई वास्तु दोष किसी प्रॉपर्टी पर ऐसा खड़ा हो जाए जो उस साल का वास्तु दोष है, पूरी प्रॉपर्टी के वास्तु दोष के बारे में बात नहीं चल रही, ईयरली कैलकुलेशन के बारे में बात कर रही है, कोई भी एक ऐसा कंस्ट्रक्शन चेंजेस उस साल के दिशा के अनुसार जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहां पे अगर आप कोई करते हो और उसके बाद लगातार उस दिशा से रिलेटेड सारे बिजनेस में आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि कोई कंस्ट्रक्शन वाइज वास्तु दोष है। और चारों प्रॉपर्टी को विजिट करने की वजह ये थी कि पहले मैंने आपको ये
होता है, 30% आपके कमर्शियल प्रीमाइसिस का होता है। अगर आपका कोई एक बिजनेस ऐसा है जिसमें आपने कोई जरूरत के अनुसार कंस्ट्रक्शन चेंजेस किए, अगर आपकी फ्रेंचाइजी और प्रोटोकॉल के अनुसार उन्होंने करवाए और आपको करने पड़े तो आपने शुरू किया, डेफिनेटली आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप वास्तु कंसल्टेंट के साथ जुड़े हुए हो तो आप अपने कंसल्टेंट को जब ये बताते हो कि भैया ये मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी है और यहाँ पे मुझे प्रोटोकॉल के अनुसार ये चीजें करनी पड़ रही है, तो वो आपको उसका उपाय बता के वो चेंजेस करवाते हैं। आम आदमी जब कोई भी चीज को करता है और उसने एक एक बिजनेस लोकेशन पे किया है और उसका इफेक्ट सारे बिजनेस प्रॉपर्टी पे नहीं आएगा, लेकिन एक आम आदमी को एक ही साल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी पे चेंजेस दिखाई देते हैं उसी साल के अनुसार, 2022 के अनुसार, तो उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने रेसिडेंशियल कम कमर्शियल प्रॉपर्टी पे उसका चेंजेस किया है। रेसिडेंशियल उसके अंदर अपने आप हावी हो जाता है क्योंकि वास्तु इस बात में बिलीव करता है कि 70% वास्तु का असर आपके घर से होता है, 30% प्रीमाइसिस कमर्शियल का होता है। जिस क्लाइंट की मैं फिलहाल हेल्प कर रही हूँ वो क्लाइंट टेक्सास अपने घर में रहते हैं, दूसरी जो उनकी प्रॉपर्टी है अरकंजा और दूसरी जगह, वहाँ पे तो उनका वो तो सिर्फ ऑटो पायलट पे चलती है, मैनेजर के थ्रू चलती है, वो खुद वहाँ पे जाते तक नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनके पास बहुत सारा डंकिन डोनट्स होता है, बहुत सारे होटल्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के बिजनेसिस होते हैं, समटाइम्स दे आर इन्वेस्टर, दूसरी कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं एक जगह पे घर होता है और वो घर से जहाँ पे भी जितने दुनिया में उन्होंने बिजनेस फैलाए हैं उसका प्रॉफिट और लॉस उस घर में रहने वाले तमाम परिवार के लोगों के ऊपर इफेक्टिव होता है। अगर घर के मुखिया ने सही डिसीजन लेके पैसे बनाए तो परिवार उसको एंजॉय करता है और सुखी रहता है। अगर घर के मुखिया ने किसी भी वजह से गलत डिसीजन लेकर अपने बिजनेस में सारा लॉस कर दिया, बैंकरप्सी की नौबत आ गई, चैप्टर 11 की नौबत आ गई, तो घर परिवार के लोग जाने अनजाने में, उनका डिसीजन नहीं था, फिर भी जाने अनजाने में वो चीज को वो सफर करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जब एक साथ होता है तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, कॉम्बिनेशन के अंदर होता है। तो घर का वास्तु जो होता है वो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है, फाइनेंशियल लॉस में लेकर आ सकता है। तो घर के अंदर जब बड़े चेंजेस होते हैं और वो गलत दिशा में होते हैं तो उस दिशा से रिलेटेड जितनी भी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, चाहे आप वहां पे कम जाते हो, इन्वेस्टर हो, 2% पार्टनरशिप है, 50% पार्टनरशिप है, फिजिकल आपका लेना देना कभी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझने लायक बात इतनी है कि जहाँ पे आपने चेंजेस किया वो उस साल की वर्स्ट डायरेक्शन अगर हो और जिन जिन प्रॉपर्टी में आपने लॉस किया वो प्रॉपर्टी उसी दिशा के साथ फेस करती हो, ऐसे ही तमाम लोगों को इस तरह की इफेक्ट दिखाई देती है जी। और एक बात ये भी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेंडेमिक में खास तौर पर ऐसा हुआ कि एक समय से एक रेंटेड प्रॉपर्टी में या मान लीजिए उनकी परचेज प्रॉपर्टी क्यों ना हो वहाँ पर बिजनेस कर रहे थे, जैसे ही लोगों का आना जाना थोड़ा कम हुआ दे स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम, और कमर्शियल लोकेशन में थे जब तक काम कर रहे थे तो बिल्कुल ठीक था, आमदनी अच्छी थी, लेकिन घर में आए तो वहाँ पर अब उनको जैसे अब ये 2 साल 2.5 साल का फेज पैंडेमिक का हो चला है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मार्केट में तो डिमांड है, काम उतना ही स्पीड से हो रहा है लेकिन मुनाफा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं। जो लोग अब घर से काम कर रहे हैं उनको क्या गाइड करना चाहेंगे अपने वास्तु दोष पर ध्यान देने के लिए? वास्तु में कुछ कॉमन बातें ऐसी होती है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि जब रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल एनर्जी एक साथ इकट्ठी हो जाती है, कमर्शियल के लिए टू द स्केल ज्यादा एनर्जी चाहिए, रेसिडेंशियल के लिए कम चाहिए, तो अगर आपका घर और बिजनेस जब एक साथ मिल जाता है तो नो मैटर व्हाट आपकी जो घर की एनर्जी है वो हर्ट होती है, वहां पे आपको प्रॉब्लम होती है। आप खुद ही सोच सकते हो कि एक लेडी घर में ब्यूटी सलून चला रही है तो बाहर के लोगों का आना जाना होगा, घर परिवार के लोगों को डिस्टर्ब होगा, एक हस्बैंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस या कहीं पे भी वो बाहर से बिजनेस करते हैं लेकिन उनका वर्क फ्रॉम होम है तो बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के खेल कूद में, माता पिता अगर वहाँ पे घर में है तो उनकी लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आएगा क्योंकि हस्बैंड घर से काम करे, बेटा घर से काम कराए। सो सिंपल बात ये होती है कि घर और बिजनेस जब साथ में होता है
तो हमेशा आपकी जो लाइफ होती है, जो आपकी घर के अंदर एक जो नॉर्मल हेल्थी लाइफ होती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट आती है, रिस्ट्रिक्शन आता है, डिस्टर्बेंस होता है। जिन जिन लोगों ने घर से काम करना होता है, वो अगर जब कभी घर में काम करते हैं लेकिन उनका जो वर्क फ्रॉम होम के लिए जो ऑफिस की रचना है, वो घर का कंस्ट्रक्शन ऐसा हो कि वो कम्प्लीटली घर के साथ डिटेच और ऑफिस हो। जैसे काफी लोगों के घर में डिटेच गराज होते हैं, न्यूयॉर्क में मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके पास डिटेच गराज है, और उसमें से उस गराज के अंदर उन्होंने पेंडेमिक के दौरान ऑफिस बना रखी थी, और जो पोर्टेबल एयर कंडीशन वगैरह या जो भी उनके साथ व्यवस्था होती थी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, वो सब उन्होंने कर रखी थी। और कुछ टाइम तक उन्होंने पेंडेमिक के दौरान जो भी उनको मेडिकल सर्विस देनी पड़ रही थी, आजकल आप सबको पता होगा कि काफी सारे फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ जूम या ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। पेंडेमिक से इस तरह के पैटर्न शुरू हुई है मेडिकल फील्ड के अंदर भी, और अभी तक लगा डिटैच गैराज क्यों? मैंने तो जरूर ऐसे भी कुछ लोगों के घर देखा है जिन्होंने बैकयार्ड में सिर्फ शेड्स लगा लिए, टेम्परेरी शेड्स लगा लिए। आजकल बड़े बड़े बैकयार्ड शेड्स बन जाते हैं 12 फुट बाय 12 फुट के, या कुछ इस तरह के शेड्स मिल जाते हैं जिसको भी लोगों ने विंडो एसी लगा करके उसको एक ऑफिस की तरह रख लिया, बट वो ये है कि घर के बैकयार्ड में है, ऑप्शन ही नहीं था विकास जी। कोविड के दौरान बच्चे घर में होते थे, बुजुर्ग घर में होते थे, डॉक्टर हो या कोई भी आदमी हो जो बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी वो अपनी सर्विस देता था, कम्युनिटी को हेल्प करना चाहते थे, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। तो लोगों ने अलग अलग तरह से अपने जो स्ट्रक्चर के अनुसार, कंस्ट्रक्शन के अनुसार, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि घर के बैकयार्ड में उन्होंने किसी ने शेड डाल दिए या डोम बना दिया या गराज यूज कर लिया, जो भी तरह से होता था। लेकिन मैं तो काफी मेडिकल फील्ड के लोगों के साथ जुड़ी हुई, मैंने देखा था कि काफी सारे फिजिशियन डॉक्टर है उन्होंने उस वक्त से जूम कॉल सर्विस शुरू की, और मैंने कई बार उनको पूछा कि आप पेशेंट को आप टच भी नहीं करते हो, हाथ भी नहीं लगा रहे हो, लेकिन आपको पता चलता है। तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि इतने हालांकि हमारी प्रैक्टिस है, सिम्टम्स के थ्रू वो बहुत अच्छे से समझ सकते थे कि किस तरह से वो अपने सब्जेक्ट का लाभ लेके, अपने एक्सपीरियंस का लाभ लेके उनको हेल्प कर सकते थे। तो हर फील्ड में, आईटी फील्ड में तो कॉमन बात है, लेकिन कोविड के बाद तो हर फील्ड के अंदर ऑनलाइन सर्विस शुरू हो गई, और शायद मेरे अनुसार अभी तक लगातार चल रही है। तो वास्तुशास्त्र के बारे में जब बात करते हैं, और आपका वर्क फ्रॉम होम होता है या घर और ऑफिस साथ में होता है, तो कंसल्टेंट होने के नाते हमें जिन कमरे में उन्होंने आपकी ऑफिस की व्यवस्था की है उसको हम कुछ स्ट्रक्चरल साथ बिल्डिंग जुड़ी होने के बावजूद भी दिशा के माध्यम से और उसके अंदर रखे हुए डेकोर या उसके रखरखाव के माध्यम से उसको ज्यादा एनर्जाइज करते हैं। लेकिन वहां पे जो रूम होता है वो बंद होना चाहिए, हो सके उतना डोर उसका लॉक हो जाना चाहिए, उस कमरे की व्यवस्था बिल्डिंग के बाकी के मास्टर बेडरूम और बाकी सब कमरों से डिटैच होनी चाहिए। प्रॉब्लम वहां पे होती है जहां पे कंस्ट्रक्शन सब कुछ एक लाइन में हो, मास्टर बेडरूम भी हो और उसके बाद जो हस्बैंड की या वाइफ की ऑफिस हो उसकी वॉल और मास्टर बेडरूम की वॉल और बच्चों की कमरे की वॉल एक होती है, यानी कि सब कुछ एक लाइन में हो, तब जाके वहां पे प्रॉब्लम्स होती है। और जब इस तरह से अगर वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा होता है, उस परिवार में वास्तु दोष की एक नेगेटिव इफेक्ट ये दिखाई देती है कि घर में लड़ाई झगड़े, एंगर और थोड़ी नाराजगी का जो माहौल होता है वो बढ़ जाता है। बिजनेस लॉसेस के बारे में जब हम बात करते हैं, तो कई बार काफी सारे बिजनेस के अंदर जब लोग फाइनेंशियली सफर करते हैं, उसमें अगर मैं कॉमन टिप्स इतना देना चाहूंगी कि जब कभी आपको बिजनेस में लॉस होता है, तो आप सारा ब्लेम उस बिजनेस, वहां पे होने वाला मैनेजमेंट, वहां पे काम करने वाले वर्कर्स पे ना दो। ये भी चीज को समझने की कोशिश करो कि ये जब से शुरू हुआ उसके दौरान आपकी लाइफ में मेजर या माइनर चेंजेस क्या हुए, घर में हुए, बैकयार्ड में हुए, कंस्ट्रक्शन के अनुसार रूप में हुए, कोई जरूरत ही करना पड़े वैसे लैंडस्केपिंग में हुए, कोई भी नुकसान या फायदा बिना वजह और बिना चेंजेस नहीं होता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, और हाँ वापस आते ही उनसे जानेंगे जब ऑफ द वीक, बहुत जल्द हाजिर होंगे।